हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 23rd of July 2021। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक दिग्गज स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके क्वार्टर वन के अर्निंग्स आज ही के दिन अनाउंस हुए और उसी के साथ जो है उसकी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डील भी अनाउंस हुई है। तो चलिए दोस्तों, उस दिग्गज स्टील कंपनी के जो है क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और उस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डील को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की PDF कॉपी सबमिट की गई है दोनों एक्सचेंजेस को, उस कॉपी पे हम आ चुके हैं। उस पे जो आप कंपनी का नाम देख के पता चल गया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों बिल्कुल, हम JSW स्टील के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि जो JSW स्टील ने अपने जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आज ही के दिन यानी कि 23rd of July 2021 को सबमिट किए दोनों एक्सचेंजेस पे, दोनों नहीं रादर तीनों एक्सचेंजेस, क्योंकि जो JSW स्टील वो लिस्टेड है सिंगापुर एक्सचेंज में, ताकि वो वहाँ कोई उसको जो है कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने होते। तो उसमें जो आपको एक्सचेंजेस के नाम दिखाई दे रहे हैं हमारे दोनों एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और वहाँ पे जो है राउंड में नीचे दिखाई दे रहा है आपको सिंगापुर एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड यानी कि सिंगापुर एक्सचेंज को भी ये PDF कॉपी सबमिट की गई है, क्योंकि JSW स्टील ग्लोबली लिस्टेड कंपनी है। आइए दोस्तों, अब हम JSW स्टील के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं JSW स्टील के रेवेन्यू सेगमेंट के पार्ट पे। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस PDF पे जिस पे जो है क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट शोइंग कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टर एंडेड June 30, 2021। उसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं तो उसमें आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन चलता है कंपनी का, उनसे किस तरह की रेवेन्यू जनरेट हुई है। उसमें बात करते हैं तो कंपनी का ग्रोस सेल्स हुआ है 28,432 करोड़ रुपीज़ का, और अदर ऑपरेटिंग इनकम हुई है 470 करोड़ की। और अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में तो 28,902 करोड़ रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है। वहीं बात करते हैं अदर इनकम के बारे में तो 198 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम जनरेट हुई है, और कंपनी की टोटल इनकम जो हुई है जनरेट हुई है 29,100 करोड़ रुपीज़। यानी कि दोस्तों पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करते हैं तो 11,940 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। और अगर बात करते हैं क्वार्टर एंडेड March 31, 2021 में तो 27,095 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। यानी कि रेवेन्यू जो है सभी क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि रेवेन्यू में एक तरीके से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि जो है बेस मेटल के प्राइस बढ़ने से भी ये जो है रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, और जो उसके मार्जिन में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, इसी वजह से जो रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस भी लगते हैं। उसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है उसी से हमको देखने को मिलता है कि कंपनी को जो है एक्चुअल में अर्निंग कर रही है या प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है कंपनी के प्रॉफिट पार्ट पे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट पार्ट के बारे में तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉसेस फॉर द पीरियड एट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स टू ऑफ द कंपनी और नॉन कंट्रीब्यूटिंग और नॉन कंट्रोलिंग ओनर्स, यानी कि प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है वो आफ्टर टैक्स और जो कंटिजेंसी और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉसेस को बात करने के बाद का, यानी कि पूरी तरीके से एक नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। उसमें अगर बात करते हैं तो क्वार्टर एंडेड June 30, 2021 में 6,472 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। वहीं बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में 554 करोड़ रुपीज़ का लॉसेस था, यानी कि उस टाइम पे कंपनी जो थी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। और उसके बाद बात करते हैं क्वार्टर एंडेड 31st March 2021 में तो 4,368 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, और ये प्रॉफिट बढ़ने से कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी उसमें से अब कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के दूसरे पैरामीटर यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है या बिजनेस करती है, वो सारा का सारा पैसा जो है अल्टीमेटली शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो अर्निंग पर शेयर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो क्वार्टर एंडेड June 30, 2021 में बेसिक EPS था 24.53 रुपीज़। और अगर बात करते हैं डाइल्यूटेड EPS के बारे में तो वो था 24.42 रुपीज़।
यानी कि ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। दोस्तों अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो जो ईपीएस था वो नेगेटिव था, यानी कि कंपनी के ओनर्स को सामने से पैसे देने पड़ रहे थे, एक ऐसा माना जाता है, क्योंकि 2 रुपीज़ और 34 पैसे का बेसिक ईपीएस था नेगेटिव और डाइल्यूटेड ईपीएस था 2 रुपीज़ 34 पैसे नेगेटिव, यानी कि शेयर होल्डर को कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 की, तो बेसिक ईपीएस था 17 रुपीज़ और 45 पैसे और वहीं पे डाइल्यूटेड ईपीएस था 17 रुपीज़ 37 पैसे, यानी कि जो है कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से अच्छी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। दोस्तों तो ये थे जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के कुछ बेसिक से पार्ट्स, जिसको जो हमने डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश की। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के क्वार्टर वन फाइनेंशियल 22 के रिजल्ट्स के कुछ हाईलाइट्स, की हाईलाइट्स के बारे में। तो उसमें दोस्तों हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जो दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील की रेवेन्यू है अब तक की सबसे हाईएस्ट है, जो है टोटल 28,902 करोड़ रुपीज़। अगर बात करते हैं क्वार्टरली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट है, वो है 20,274 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में, तो वो है 5,900 करोड़, वो भी है सबसे हाईएस्ट एवर, यानी कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है क्वार्टरली। और अगर बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में, तो वो 1.04x है, यानी कि जो डेट जो है कंपनी की इक्विटी है वो सफिशियंट है डेट को पे आउट करने के लिए। और अगर बात करते हैं नेट डेट टू ईबीटा, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, वो 1.89x है। दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील में से रबिस्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद हमें ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जेएसडब्ल्यू स्टील अब एक टर्न अराउंड की पोजीशन में दिखाई दे रही है, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील में अब एक टर्न अराउंड चल रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डील हुई है, उस डील के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इससे जो है जेएसडब्ल्यू स्टील जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इस डील के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सो दोस्तों अब हम उस कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो है कंपनी ने सबमिट किया था एक्सचेंजेस को अबाउट इंटीमेशन करने के लिए उस डील के बारे में। तो जो एसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड है वो जो है यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा है, मैंने पैराग्राफ को हाईलाइट करके दिखाया है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक कंपनी में, और उस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी जो है उसके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है उस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को, और अप्रोक्सीमेटली 750 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी 3 और 4 ट्रांचेस में करेगी बिटवीन फाइनेंशियल 2021-22 थी 2024-25 तक, यानी कि कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को जो है 3 और 4 ट्रांचेस, यानी कि 3 और 4 पार्ट में जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है कंपनी इन्वेस्ट करेगी जेएसडब्ल्यू पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। और जो है कंपनी अपना पहला ट्रांच जो है वो इन्वेस्ट करेगी, जो 299.775 करोड़ रुपीज़ का होगा, वो अप्रोक्सीमेटली कंपनी के जो है 7.5% पेड अप इक्विटी शेयर जो है अक्वायर करेगी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगी और उतने जो अमाउंट का जो कंपनी के शेयर्स अक्वायर करेगी, और जो कंपनी उसके जो है जेएसडब्ल्यू पेंट्स के 6.88% फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस के जो है ईपीएस वो एक्वायर करेगी। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने ब्रीफली बताया है कि इन फर्दरेंस ऑफ सेम कंपनी हैज एंटर इनटू अ शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट किया जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ ऑन 23rd of July 2021 को, कि जो है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी जेएसडब्ल्यू पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में और अक्वायर करेगी अप्रोक्सीमेटली 7.5% ऑफ द इश्यूड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ जेएसडब्ल्यू पेंट्स लिमिटेड, और वो जो 6.88% होता है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे, और जो जेएसडब्ल्यू स्टील में उस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट करेंगी जेएसडब्ल्यू पेंट में इन्वेस्टमेंट करके। दोस्तों इस पूरी पीडीएफ कॉपी में जो जेएसडब्ल्यू पेंट्स के बारे में कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो इंडियन ओरिजिन कंपनी है, और बहुत सारी डिटेल, और जो जेएसडब्ल्यू पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो क्वार्टरली जो अर्निंग्स और उसके जो ग्रोथ रेवेन्यू और उसकी सब डिटेल्स और कहाँ पर जो डील एग्जीक्यूट होगी वो सब इस पीडीएफ कॉपी में जो है वो इन डेप्थ बताया गया है। लेकिन जो वीडियो की जो शॉर्टेज ऑफ टाइम और अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है हम पूरी पीडीएफ कॉपी को डिस्कस नहीं कर सकते आपके साथ,
लेकिन दोस्तों अगर आप इस पूरी पीडीएफ कॉपी को जो पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएसटी की वेबसाइट पर जाके आज ही के दिन को सर्च करके जो जेएसडब्ल्यू स्टील की क्वेरी को सबमिट करेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली वो पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी और जो आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक के कारोबार के ऊपर कि आज के दिन जो जेएसडब्ल्यू स्टील में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों उस स्टॉक के डिस्कशन को करने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ एनएसई की वेबसाइट पे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आज की डेट यानी कि 23 जुलाई 2021 को 0.12% यानी कि 85 पैसे बढ़ के 770.40 रुपीज़ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक क्लोज हुआ है। और अगर बात करते हैं दोस्तों क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में तो 87,31,309 स्टॉक में ट्रेड हुई है। अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 11,74,494 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई। वहीं दोस्तों बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 13.45% की डिलीवरी उठाई गई। यानी कि दोस्तों एक डिलीवरी जो है बहुत ही लोअर लेवल की दिखाई दे रही है स्टॉक में। अब दोस्तों हम स्टॉक के फ्यूचर प्राइस यानी कि डेरिवेटिव कोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के डेरिवेटिव पे आपको लेकर के चलता हूँ। सो दोस्तों अगर बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के डेरिवेटिव कोर्स के बारे में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है 29 जुलाई 2021 को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर प्राइस के बारे में तो 720 रुपीज़ स्टॉक का फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है और वो 0.08% यानी कि 60 पैसे बढ़कर क्लोज हुआ है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के स्टॉक के अंडरलाइंग वैल्यू फ्यूचर के अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि स्टॉक प्राइस के बारे में तो वो 717.40 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कंपनी की अंडरलाइंग वैल्यू से कंपनी का फ्यूचर प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है कि कंपनी के स्टॉक में जो है फ्यूचर में भी उछाल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 2,07,37,350 कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 1,65,40,200 जो है कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट किए गए थे उसको जो है वो बोलते हैं उस ट्रेडर ने अनवाइंड किए। और अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज के बारे में तो 44.37% से ओपन इंटरेस्ट घटा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों कि जो स्टॉक का जो है फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है और बात करते हैं अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि इसको इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक जो है बेरिश व्यू से अब एक तरीके से बुलिश व्यू में जा रहा है क्योंकि रेज इन प्राइस विद डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी और ओपन इंटरेस्ट में कटा गिरावट दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो है बेरिश व्यू से अब बुलिशनेस की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील में अभी है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में जो है एक तरीके से एक उछाल या फिर जो है पॉजिटिव एक ट्रेंड सेट होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये दोस्तों ये किसी भी तरह का कोई दावा नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है क्योंकि इस तरीके से जब ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिखाई दे रही है और फ्यूचर प्राइस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है तो एक तरीके से माना जाता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में जो बेरिशनेस जो थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो है स्टॉक में एक बुलिशनेस तरफ की जो एक इशारा दे रहा है। तो दोस्तों ये थे जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जो अपडेट और उसके जो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में अपडेट। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।